अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डिजी मेंटोर पीके। आज के इस लेक्चर में मैं फाइवर के एक फीचर जो कि फाइवर स्टूडियो के नाम से है, उसमें हम कैसे प्रोफाइल उसकी रेडी हो सकती है, कैसे फाइवर स्टूडियो वर्क करता है, इस पर हम बात करेंगे। काफ़ी सारे दोस्त जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ का पता होगा कि जब वो कोई गिग सर्च करते हैं तो उसके आगे फाइवर स्टूडियो लिखा आ रहा है। अगर आपको मैं दिखाऊँ स्विच टू बाइंग करके, तो इधर हम कोई सर्च करते हैं, लेट्स सपोज अमेज़न एफिलिएट स्टोरी सर्च कर लेते हैं। इधर देखते हैं कोई गिग है फाइवर स्टूडियो की। ये देखें, ये फाइवर स्टूडियो की गिग है। ये वर्क कैसे करती है, इसमें असल में होता है कि ये बाकी गिग से डिफरेंट कैसे होती है, इस पर हमारी बात करेंगे। तो फाइवर का जो ये स्टूडियो वाला ऑप्शन है ना, तो उसके बारे में अगर आपने सर्च करना है तो आप इधर नीचे आए इसके फुटर में फाइवर के, तो मोर फ्रॉम फाइवर, इसमें फाइवर प्रो है, फाइवर स्टूडियो है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो फाइवर स्टूडियो पे जाएं, इसको न्यू टैब में ओपन कर लें। फाइवर स्टूडियो में आप काम कैसे कर सकते हैं, हैव अ कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट स्टूडियो। इसमें क्या होता है, एक प्रोजेक्ट आता है ना, तो इसमें आप स्टूडियो में टीम वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। टीम वर्क से मुराद है, लेट्स सपोज आप एक प्रोजेक्ट पकड़ते हैं ना, तो नॉर्मल गिग्स में क्या होता है, उसमें ये होता है, लेट्स सपोज आपने वेबसाइट एक बंदे से बनवाई है, लोगो एक बंदे से बनवाया है, दूसरे बंदे से लेट्स सपोज, और थर्ड पर्सन से आपने उसकी एसईओ करवाई है या रैंकिंग करवाई है। तो फाइवर स्टूडियो में क्या होता है, व्हाट्स अ स्टूडियो, फाइवर स्टूडियो इज अ वन स्टॉप सॉर्ट फॉर फाइंडिंग ऑल द फ्रीलांस टैलेंट यू नीड फॉर कंप्लीटिंग लार्जर प्रोजेक्ट्स। वर्क विद अ टीम ऑफ फ्रीलांसर्स बीइंग मैनेज्ड बाय वन स्टूडियो लीड ऑल विद इन द सेम गिग। यानी सेम गिग में आप क्या कर रहे होते हैं, एज ए टीम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें आपको जो लार्जर प्रोजेक्ट्स हैं वो आप कंप्लीट करते हैं। अब हम इसके नीचे पढ़ते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, वन सॉल्यूशन है, वन टीम है, वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। हाउ डू स्टूडियो गिग्स वर्क, ये स्टूडियो गिग्स हैं वर्क कैसे करती हैं, तो इसमें ये चीज़ है, इट्स सिमिलर टू अ स्टैंडर्ड गिग, ठीक है। ये जैसे नॉर्मल गिग्स हैं शो वैसे ही होती हैं, ठीक है, विद फिल्टर्स, रिव्यूज, अपफ्रंट प्राइसिंग, मीन जैसे बाकियों के रिव्यूज होते हैं, फिल्टर होते हैं, फ्रंट प्राइसिंग वगैरह होती है, सब इसी की भी स्टूडियो की भी ऐसी होती हैं। तो इसमें बट डिफरेंट क्या, बट स्टूडियो ऑफर एन इंटायर टीम विद मल्टीपल कैपेबिलिटीज, ठीक है। स्टूडियो में ऑफर क्या कर रहे होते हैं, एक टीम होती है जो मल्टीपल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको वेबसाइट डिवेलपर चाहिए, उसके बाद एक लोगो या ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, उसके बाद एक जो साइट को रैंक करे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब सॉरी एसईओ करे, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करे या उसकी मार्केटिंग करे, ठीक है, आसान अल्फाज में। तो उसमें आप ये स्टूडियो में एक एक चीज पूरी की पूरी जो प्रोजेक्ट होता है वो इसमें ऑफर कर रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ वन सर्विस। देखें उसने आगे यही लिखा है, इंस्टेड ऑफ वन सर्विस, बजाय इसके एक सर्विस के यू गेट अ टीम, आप इसमें एक टीम स्पेशलिस्ट टीम हायर करते हैं, वर्किंग फॉर योर अंडर वन एक्सपर्ट स्टूडियो लीड। इसमें एक जिसे लेट्स सपोज आप इधर जाके ऑर्डर देते हैं ना, ये इसमें तो मैं इस पर लेके, तो इधर लिखा हुआ है द गिग्स इंक्लूड ई कॉमर्स डेवलपमेंट, फुल वेबसाइट क्रिएशन, लोगो डिजाइन, वेबसाइट कंटेंट, मीन आप में इसकी जो भी ई कॉमर्स फुल वेबसाइट डिजाइन करेंगे, इसका लोगो भी डिजाइन करेंगे, वेबसाइट का जितना भी कंटेंट होगा, पेजेस का कंटेंट और जो भी कंटेंट होगा इसके रिलेटेड, ये सब कौन हैंडल करेगा, फाइवर स्टूडियो वाली जो गिग्स वाले पर्सन या टीम होगी वो हैंडल करेगी इसको। उसके बाद ठीक है, ये इन्होंने ये एग्जांपल भी दी हुई है, गिग्स इंक्लूड वेब एंड मोबाइल डिजाइन, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, वेब डेवलपमेंट, ये तीनों एक ही गिग में काम हो रहे हैं, ठीक है। उसका स्टेप क्या है, मतलब स्टेप ब्राउज स्टूडियो गिग्स एंड ऑर्डर, मतलब स्टूडियो वाली गिग आप ब्राउजर ब्राउज करें और उसमें आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप एज ए बाहर काम कर रहे हैं। ये स्टेप टू, लेट द स्टूडियो लीड टेक केयर ऑफ इट, और आस पे क्या है, अप्रूव द फाइनल डिलीवरी। अगर आपने एज ए बायर अगर आप सेलर सॉरी स्टूडियो वाली गिग्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इधर से भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसमें जो मिनिमम प्राइसेस होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं स्टूडियोज की। ये देखिए अगर मैं इसको ओपन करता हूँ,
बेसिक पैकेज क्या है, 100 है, फिर स्टैंडर्ड 300 है और प्रीमियम 500 है। एज कम्पेयर टू इसकी जो आप बाकी गिग्स देखें, बेसिक इतना $30 है, ठीक है, $25 है। इसमें भी आप बेसिक में ज्यादा रख सकते हैं प्राइसिंग, लेट्स 50, 100, 200, 300, 400, 500 ही रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडियो में आप देख सकते हैं टोटली डिफरेंट है, एज ए टीम वर्क आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको इस चीज की मेरा ख्याल समझ आ गई होगी। अगर किसी को किसी भी चीज की समझ नहीं आई, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप मेरी फाइवर की कंप्लीट प्लेलिस्ट देखें, जिसमें मैं फाइवर की कंप्लीट टिप्स बताई हुई हैं, ट्रिक्स बताई हुई हैं, उसके बाद रैंकिंग का तरीका बताया हुआ है, गिग्स कैसे अच्छे से अच्छी बनानी है, मैंने वो सारी चीजें बताई हुई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, आप YouTube पे जाके देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। डीजी मेंटोर पीके के नाम से मेरा चैनल है, प्लेलिस्ट में चले जाएं आप, सॉरी, चैनल प्लेलिस्ट, ठीक है। ये देखिए मैंने तकरीबन हर तरह की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ये फाइवर का मेरा कंप्लीट कोर्स है, जिसमें 19 वीडियोज हैं। ये एक शॉपिफाई का कोर्स है, ठीक है, ये बेसिक है, ये थोड़ा प्रोफेशनल है। ये अमेजोन का है, ठीक है, साथ वर्डप्रेस का, ये पेयोनीर का कंप्लीट। जिसको भी किसी तरह की भी कंफ्यूजन आ रही है, वो मुझसे इधर पूछ सकते हैं। बाकी वर्डप्रेस का भी मैंने कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है। वीडियो कैसे बनानी है फाइवर के लिए, ये भी चीजें मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। अब मैं और भी न्यू जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिससे रिलेटेड भी मेरे से जितना इलम होगा, मैं इंशाल्लाह आपको पूरा डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।